सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें स्वास्थ्य केंद्र को दी। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर और भी मशीनें लगवाने की बात कही। विधायक सौरभ बहुगुणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की बेतहाशा बढ़ती संख्या में स्वास्थ्य विभागों में संक्रमितों को ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जबकि उन्होंने 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी थी, जिसमें अभी 19 मशीनें ही मिल सकी है। कोविड की बहुत बड़ी एक महामारी से जूझ रहा है। सितारगंज विधानसभा में ऑक्सीजन की रोज शिकायतें आ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उर्वशी साहे जी का, सिंगापुर कम्युनिटी का, जिनको मैंने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरी विधानसभा में ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 7 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड कराए गए हैं सिंगापुर की कम्युनिटी के द्वारा। और मैंने उसको आज यहाँ पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सितारगंज के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पे दिए हैं। 5 मैं शक्ति फार्म में दूंगा और 2-3 दिन बाद बरा के जो अस्पताल हैं उनमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद यही है कि जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो। जो पेशेंट आ रहे हैं, 9 बेड का हमने सितारगंज हॉस्पिटल को आइसोलेशन सेंटर बनवा दिया है, हर बेड के साथ एक ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अटैच कर दिया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति किसी भी ऑक्सीजन की कमी से अगर जूझ रहा हो तो मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि ऑक्सीजन गिरने का इंतज़ार मत करिए, सीधा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में आइए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ आपको बेड दे दिया जाएगा, आपके ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, और अगर आपकी तबीयत उसके बाद थोड़ी ठीक हो जाती है तो आपको हायर सेंटर में रेफर कर दिया जाएगा।